सो ये दोस्तों वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार कल के दिन जो कि बली माई का हिंदी ट्रेलर आया था और आज इस ट्रेलर को आपके साथ एंजॉय करने वाला हूँ। तो गाइस अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे रिएक्शन वीडियो को इसी तरह देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नीचे दिए लाल बटन को क्लिक करके। और गाइस आप में कमेंट करके जरूर बताना अगर इस ट्रेलर को अभी तक आप देखे हो तो ये ट्रेलर आपको देखने में कैसी लगी। हमारे साथ है हमारे दोस्त अमन जो कि ये आज रिकॉर्ड करेगा। तो चलता हूँ वीडियो की तरफ। पहले यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और लाइक करके चलो, यार लाइक करके चलते हैं ट्रेलर को एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों चलिए इस ट्रेलर को एंजॉय करते हैं। आज हमारे दोस्त अमन है जो कि यार मेरे फर्स्ट सब्सक्राइबर भी है, तो आज इसी के साथ एंजॉय करता हूँ। तो चलो देख लो अमन भाई कैसा आपको लगता है ये पुष्पा मूवी का, आपके अंदर फीलिंग जगाता है या नहीं। शहर के आसपास जो भी मर्डर्स हो रहे हैं उनकी प्लानिंग जेल में हो रही है। अर्जुन भैया कहाँ है माँ? जिस गैंग को हम 10 साल से पकड़ नहीं पाए इसने 10 दिन में कैसे पकड़ लिया? सर गरीबी में कर दिया सर। तुम गरीबों की मेहनत का मजाक मत उड़ाओ सर, इन लोगों को एनकाउंटर कर देना चाहिए। हमें मारने का हक नहीं है सर। वेलकम टू चेन्नई सर। कल रात बहुत से लोग अचानक बेहोश हो गए और नवीन ने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया। मुझे ये मामूली सुसाइड नहीं लगा, इसके पीछे कोई क्राइम भी हो सकता है। हर ब्लैक डे से पहले एक ही नंबर से 8 से 10 बाइक खरीदे गए हैं, टोटल 6000 केसेस से ज्यादा। हमारी पुलिस का आज तक इतनी खतरनाक गैंग से कभी सामना नहीं हुआ। कुत्ते ने सूंघ लिया, कोई पूछेगा नहीं हमने ये दौलत कैसे कमाई। कोई जानेगा नहीं हमने ये जीत कैसे हासिल की। बस दौलत कमाना है और जीत जाना है। ताकतवर को जो चाहिए वो उसे छीन लेता है। ताकत बचाने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। तुमने ही ये प्लान किया है, तुम्हें डिसमिस करने को कह रहे हैं। मेरा भरोसा टूट गया है माँ के रूप में। आज के बाद अर्जुन की जिंदगी नरक हो जानी चाहिए। अपने काम से मतलब रखने वाले आम आदमी का दिमाग सटक गया ना तो वो तुम पे कहर बन के बरसेगा। कोई भी अंदर आने की कोशिश करे तो शूट चाहिए। नहीं हुआ, अब तो ये नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया इस ट्रेलर को देखकर। जब तमिल की लैंग्वेज की ट्रेलर देखी तो उस समय वली माई का तो ज्यादा उतनी ज्यादा मजा नहीं आई थी जब इस मूवी का हिंदी ट्रेलर को देखा। और भाई जो कि हिंदी ओवर में जो कि संकेत मात्रे वॉइस अजीत सर को दिए हैं वो यार काफी गजब है, ओके ओके लग रहा है भाई। तो फाइनली दोस्तों अगर इस रिएक्शन को आप इंजॉय किए हो तो ये ट्रेलर देखने में आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों ये मूवी थिएटर में रिलीज हो रही है डायरेक्ट पेन इंडिया 24 फरवरी को। तो दोस्तों इस जा करके इस मूवी को जरूर थिएटर में सपोर्ट कीजिएगा और जरूर देखिएगा, तब आपको हॉलीवुड लेवल का नेक्स्ट लेवल का एंजॉयमेंट आएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अमन से पूछता हूँ, अमन को ये ट्रेलर देखने में कैसी लगी? तो अमन भाई ये ट्रेलर आपको देखने में कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। पुष्पा मूवी से भी अच्छी लगी। ओ भाई गजब यार, तो कुछ बोल दो भाई, पुष्पा मूवी से भी अच्छा लगा। इसमें यार सबसे बड़ी आपको खास बात इसमें क्या लगी?
मोटरसाइकिल स्टैंड यार, जो कि बाइक स्टैंड है यार, ये इसको बिल्कुल पसंद आएगी। तो दलजीत थैंक यू सो मच। तो बेटो भाई, आपको ये ट्रेलर देखने में कैसी लगी है? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसे भी यार बहुत अच्छी लगी। तो फाइनली दोस्तों, ट्रेलर को एंजॉय कर लिए हैं। अगर अभी तक आप ट्रेलर को एंजॉय नहीं किए हो तो यार जाकर के जरूर इस ट्रेलर को देखिए, आपको बिल्कुल पसंद आएगी। और दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, ये मूवी 24 फरवरी को डायरेक्ट थिएटर में रिलीज हो रही है। तो जाकर के इस मूवी को आप थिएटर में जरूर देखिएगा, तब आपको अनदर लेवल का एहसास होगा कि यार साउथ मूवी क्या है। और गाइस, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक से बहुत मोटिवेशन मिल जाती है। तो यार लाइक कर दो नीचे दिए लाइक बटन को, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो थैंक यू सो मच।